नमस्कार, स्टेट वाइज न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के 8वें चरण के दौरान आज नक्सल प्रभावित डुमरिया और इमामगंज प्रखंड में वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। नक्सलियों के द्वारा 3 दिवसीय बंद के आह्वान के बावजूद इलाके के सभी संवेदनशील बूथों पर बंपर वोटिंग हुई। मतदाताओं अपने मत का प्रयोग बिना डरे हुए उत्साहपूर्वक किया, जहाँ पुरुषों के साथ महिलाओं की लंबी कतार देखी गई। एक तरफ जहाँ नक्सलियों के द्वारा 3 दिन बंदी का ऐलान कर रखा है और इसी बीच डुमरिया और इमामगंज में मतदान हुआ। सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से टाइट व्यवस्था की गई थी और जिला पुलिस के अलावा अर्धसैनिक बल के 60 कंपनियां तैनात रहे। बाकी पंचायत चुनाव में पहली बार एयरफोर्स के मारक हेलीकॉप्टर भी लगाए गए, जहाँ लगातार हवाई सर्वेक्षण की गई। किसी बड़ी घटना को नक्सलियों द्वारा अंजाम देते हैं तो वैसी स्थिति में मारक हेलीकॉप्टर मुंह तोड़ जवाब देगी। दोनों प्रखंडों के कुल 3116 प्रत्याशियों के भाग का फैसला होने वाला है। इसके लिए कुल 377 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सुरक्षा को देखते हुए डुमरिया प्रखंड के 25 एवं इमामगंज प्रखंड के 15 मतदान केंद्र को दूसरी जगह हस्तांतरित किया गया। मेरा मानना है कि हम समझते हैं कि दहशत है, एमसीसी के नाम पर सिर्फ दहशत है, लेकिन हमारे यहाँ जो पंचायत चुनाव चल रहा है बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। किस तरह से नहीं, कितने चरण का है और कितने प्रत्याशी खड़े मैदान में? यहाँ तो गया जिला में आपके 10 चरण में चुनाव होना है, अभी 8वां चरण सम्पन्न होने जा रहा है और इसके बाद हमारे मंझौली पंचायत से मुखिया के प्रत्याशी 11 खड़े हैं। जी आप भी किस मैदान किस जी हम भी मुखिया का उम्मीदवार हैं, मुखिया से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा भी चुनाव चिन्ह आपका काठ गाड़ी छाप है। वोटरों में उत्साह है आपके? जी हाँ, वोटरों में उत्साह है और हम जब भी चुनाव लड़ रहे हैं या हमारा जो उद्देश्य रहा है लगातार रहा है जनता का सेवा करना, पब्लिक का सेवा करना, गरीबों का उठाना, इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का लगातार हमारा उत्साह, सोच और हौसला रहा है। प्राथमिकता क्या होगी पहली जीत? मेरा प्राथमिकता यही रहा है कि हर तरह के दुख सुख में जो भी मेरा जनता है, जो भी जनार्दन है, गरीब गुरुआ सब लोगों को हम दुख सुख में साथ रहेंगे और जो उनका अधिकार होगा उनका अधिकार को हम निस्वार्थ भावना से देने का काम करेंगे, हर परिस्थिति में उनको साथ देने का काम करेंगे। शिक्षा का चाहे वो चाहे आपको स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह के मामला हो, हम हर तरह से उन लोगों को साथ देने का काम करेंगे। हमने जीवन में संकल्प लिया है कि हम जनता का सेवा कर रहे हैं और लगातार करते ही रहेंगे। क्या नाम हो गया? हरिहर यादव, ग्राम पंचायत मंझौली। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।